बुधवार को जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिला अस्पताल एवं महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे तथा प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जो भी कमियां बताई गई हैं उसको एक महीने के अंदर दूर कर दिया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल में दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है, बेडों की संख्या एवं रखरखाव पर जिलाधिकारी ने संतुष्टि दिखाई है, निर्माण कार्यों की प्रगति भी तेजी से की जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसका पूर्णता पालन किया जाएगा तथा मरीजों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा में दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद्र श्रीवास्तव एवं सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, और निरीक्षण में वैसे वो संतुष्ट थे। प्रत्येक जगह पे जो कुछ परेशानियाँ हैं उनको पहले ही बता दी गई हैं। जहाँ पर उन्होंने निर्देशित किया उसके लिए बता दिया गया कि टेंडर जैसे ही मेरा प्रभावी हो जाएगा वो भी कार्य सिविल वर्क के करा लिए जाएंगे। सिविल वर्क के बारे में उन्होंने काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं और इसको शीघ्रता से पूरा करा लिया जाएगा। नहीं, वार्ड के निरीक्षण में उनके द्वारा कोई ऐसी कमी नहीं पाई गई। उनका ये बात कहना था कि फीमेल आर्थों में गए थे, उनका कि उमस बहुत है, इसको ऐसी नहीं किया जा सकता। उसमें प्रॉब्लम है कि छत अच्छी नहीं है, बहुत पुराना चिकित्सालय है और फॉल सीलिंग लगाने में परेशानी होगी और बिना फॉल सीलिंग लगाए उसको यदि ऐसी करना संभव प्रतीत नहीं होता है। वह वितरण के काउंटर कम हैं, ये पहले ही मैंने जो भी परेशानियाँ थी बता दी थी कि दवा वितरण का एक और काउंटर न्यू ओपीडी की तरफ खोल दिया जाएगा और वहाँ पर कोविड से जो भी पोस्ट कोविड मरीज आ रहे हैं वहाँ दिखाने, जिस वो वहीं पर दवा पा जाएंगे। वहाँ पर पीडियाट्रिक्स, चेस्ट, मानसिक रोग, ENT और ऑप्थाल्मिक्स और फिजियोथेरेपी, ये सभी डिपार्टमेंट वहाँ चलेंगे और वहाँ दिखा के वे दवा वहीं पा जाएंगे। जो हमारा रैन बसेरा है उसी में एक छोटा सा काउंटर बना दिया जाएगा जहां पर इन 6 विभाग के मरीजों को दवा मिल जाएगी। इस प्रकार हमारे दवा काउंटर में भीड़ कम हो जाएगी और एक दो दवा काउंटर हम पुराने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, वृद्ध के लिए और जो आपके फ्रीडम फाइटर हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनको अलग से हम काउंटर दे पाएंगे। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला अस्पताल पुरुष और महिला का निरीक्षण किया गया। सर ने बृहद राउंड किया है, हम लोगों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं। थोड़े से जहाँ जहाँ कमियाँ रही हैं उनको दूर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हैं और प्रोत्साहित भी किए हैं कि अच्छी तरह से काम हो। जो भी कंस्ट्रक्शन में या कोई पुताई उताई में कहीं कोई कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कहा है और सरकार ने इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है हम लोग फॉलो करेंगे और 1 महीने के अंदर जो भी कमियां हैं उसको दूर कर लेंगे।